ऑफिस से डायरेक्ट आके वीडियो बना रहे ले भाई, टाइम नहीं मिला, नो चेंज नो नथिंग। क्या अपना ऑफिस जाता है शाम को आके वीडियो बनाता है, तो अभी आ गया यार जल्दी इस गाने के लिए। ऑनेस्टली बोलूंगा गाना तो मैंने मतलब देख लिया है, सुन लिया है, काफी हद तक मैंने थोड़ा सा आरएनडी किया, क्योंकि ऑब्वियसली कृष्णा के जो लाइंस है, जो बार्स एंड रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस ऑब्वियसली यार देखने पड़ेगा ना, कुछ हर चीज थोड़ी ना पता होती, तो वैसे पता हो के अभी बताएंगे। अभी जितना मैंने समझा उस गाने को उतना उस हिसाब से समझाएंगे, और क्या टेंशन नहीं है भाई। बाकी क्या बोलते अन्ना की अबले कैसे हो, अपन तो बढ़िया भाई। चलो फाइनली इतना जबरदस्ती करके ट्विटर पे टैग करके नो अंकित खन्ना को भी फोर्स करके भाई अपन ने रिप्लाई ला दिया। और कृष्णा भाई इज वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा गेम खेला भाई। हाँ मैं मूव ऑन हो चुका, ये हो वो, हाँ भाई गाना रिकॉर्ड हो गया, वीडियो भी हो गया, और पेंडो देख कौन सा गाना था, वो एक गाना था ना जंगल वंगल में भागते रहते, वो गाना पेंडो ने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेट्स सी गाना कैसा है, फाइनली देखते भाई, बहुत मजा आएगा। 8 घंटे में 1.5 मिलियन व्यूज भाई, मैंने ये देखा था कि 5 घंटे में कुछ तो 1 मिलियन व्यूज हो गए थे। हाइप देख रहे हो, हाइप इज क्रेजी। और अगर ज्यादा वीडियो में पॉजेस हुए तो हम सॉरी कि समझने तो पड़ेंगे भाई, पर ये वीडियो में नहीं करेंगे तो और किस में करें। लेकिन चलो मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करता, घुसते अपन वीडियो में। ओम लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा अब फिर आ गए, मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। ओ ये जो एंट्री है ना, वो सीधा मेकओवर वाली एंट्री है। तो भी कैसा हो, उसमें लेफ्ट साइड में देख बताया कि भाई ऐसे उतर रहे, इसमें राइट में। मुबारक हो मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गिली है बहुत। पार्टी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। दिन में मिलेगा एल, मुंह से टपकेगी लार, डॉगी है क्या भाई। रैप का दीपक कलाल कलाल, क्यों आके मरा रहा हर बार, मैं खारा करारे, तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। करारे भी कुछ स्वीट डिश है क्या भाई। करारा हर बार, मैं खारा करारे, तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। एक सेकेंड, ओहो का भाई बीट ड्रॉप में सीधा फायर। कोट डाली कबर तेरी, अब निकालो अब काला कोट, माँ कसम वाला जो कोट है काला कोट, वो खोद दिया, काम हो गया तो कोट निकाल दो भाई, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। ओके कोर्ट वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू घुसेड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला। इस अभी नंदू घुसेड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट को पे गिरा बम ले। जब बालाकोट एक छोटा सा टाउन है पाकिस्तान में, जहाँ पर इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ने बम गिराए थे। अभी नंदू, अच्छा नंदू तो उसका लाइन है कि आप कृष्णा को अभी नंदू तेरा नाड़ा ढीला है, उसका वो रिप्लाई है। अभी नंदू मतलब शायद से ये अभिनंदन करके एक फाइटर प्लेन ये था, पायलट बोलते हैं, फाइटर पायलट बोलते, शायद वो बालाकोट से रेफर करता हो, मतलब ये करता हो, आई डोंट नो। कोट लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल। लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, लूड़ान अरबाज खान सलमान खान का भाई क्या, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल के। सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली वांट इज अ लोड़ाई से शौक है मलाई का। सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली वांट इज अ लोड़ा इसे शौक है मलाई का। मलाई का समझ में आ रहा है, अलोड़ा ओके, अरोरा अलोड़ा ए लोड़ा सही था यार ये, मतलब अरबाज मतलब ये ना दिख रहे ना, ये लाइन से वो लाइन रेफर करता है अरबाज खान मलाई का की अरबाज खान मलाइका के एक्स हस्बैंड थे, तो अभी अर्जुन कपूर है, तो वो ए लोड़ा वो अर्जुन भी हो सकता है, अर्जुन देखा अर्जुन वाला तीर तेरे कान में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी वाली वांट इज अ लोड़ा इसे शौक है मलाई का। लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार, 4 फुट का लिली पुटिया करेगा क्या मार धाड़, रिग्रेट करे तेरे फोर फादर, सब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे चार चार, इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के, अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से, इसे पता तो नहीं है किससे अलादीन के, अनपढ़। ये वो वाला लाइन है जो क्या लोड़ा साहब बोलता कि मैं हूँ अलादीन, पूरी करूँ तेरे वेश, तब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। वो अलादीन से नहीं होता, अलादीन से चिराग के जो निकल घिसने से जो निकलता जीन, उससे विश पूरे, अनपढ़ तो कृष्ण भाई बोल रहा है। तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने की से है उसने उड़ती कालीन पे। तेरी जैस्मिन करती है राइड, उड़ती कालीन मतलब अलादीन जो कालीन पे नो करता था, राइड करता था, मतलब जिधर इधर हवा में उड़ता था यार, तो काफी घुटने किस्से है, इफ यू नो यू नो, इफ यू नो।
बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। भाई स्वॉलो स्वली ना को डिस, स्वली ना को डिस। लाइव देख रहे हो, पर तू कम नहीं छोटे, कम मतलब समझ जाओ, पर तू करता है स्वॉलो ना। माय गॉड स्वॉली ना, बीच में इसको क्यों लिया यार। हेलो साइबर पुलिस, तू लोड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में, करे एंटॉप हिल की ये बातें, पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। क्या बात कर रहा भाई, एंटॉप हिल में तो रहते ना, नवी मुंबई के कोने में, आई डोंट नो यार, ये नहीं पता था मेरे को। कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बाप पे नो पीएसजी, कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, डॉलर साइन पे जीएसटी नहीं लगता क्या, ये जानते अम्बाप है नो पीएसजी, अम्बाप है नो पीएसजी, हाँ फुटबॉल प्लेयर है ब्रो, फुटबॉल प्लेयर है, पीएसजी टीम है, पेरिस सेन जी से यार, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हाँ कोई है, वर्ड प्लेयर रेफरेंसेस, इसलिए मैं बोलता हूँ कृष्णा इज अ वेरी इंटेलिजेंट रैप एंड वेरी नॉलेजेबल रैप, ये चीज एमवीपी में नहीं है। खुद न भी मुंबई के कोने में, कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बाप पे नो पीएसजी, मुंबई के सड़कों पे पीएचडी, मतलब पीटी यूज्ड इन योर पीएससी। भाई पीएचडी का मतलब डॉक्टरेट, फिलोसफी इन डॉक्टरेट होता है ना। ये नया पुल पर माल पड़ा कृष्णा भाई, क्या नया पुल पर इन्वेट कर रहे हैं, पीटी यूज्ड इन योर बीएससी। भाई साहब बाप पे नो पीएसजी, मुंबई के सड़कों पे पीएचडी, मतलब पीटी यूज्ड इन योर बीएससी। मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लंडी उखाड़ी, 6 महीने से हो रहा फ्लॉप ही बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं, 6 महीने से हो रहा फ्लॉप ही बिना डिस्क के हो रहे 10 मिलियन पार ना। हाँ बात तो सही है कि भाई डिस वाले गाने, वैसे केआर लौड़ा सन पे 10 मिलियन पार नहीं, 8 मिलियन ही हुए, फ्लॉप ही बना डिस, फ्लॉपी डिस हो सकता है भाई, अभी मैंने भी कुछ रिसर्च किया तो उसमें फ्लॉपी डिस तो था, आई डोंट नो, ये शायद वो हो सकता है। सब छीनू तेरा कह ले तू चील मुझे, किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे, सब छीनू कह रहे तो चील मुझे, चील कैसे ना छीन के आता जो भी हाथ में हो, म्यूजिक करे हील मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे, म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आ जाते तू फील तुझे, हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन, सनी लिसन में हॉलीवुड नो फाइटिंग लाइफ, ओके हमारे सांप हो गए फ्राइट एंड पाइथन, फ्राइट एंड मतलब डरना, पाइथन मतलब सांप, पाइथन अजगर, सनी लिसन, सनी एक ऐसा वर्ड है जो एल्डर पर्सन होता है तो उसके जो छोटे होते हैं यंगर पर्सन को बुलाने के लिए, हाँ ब्रो सनी लिसन, ऐसा ऑब्वियसली कृष्णा इज 34 एंड एमी वेज 27 आई गेस, उसको बोल रहा है सनी लिसन आई एम अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, इसका भी कुछ है भाई, इसका भी कुछ है, वो मोहम्मद अली फाइटिंग लाइसेंस बिना के मतलब कुछ तो रेफरेंस रहेगा भाई। चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे टेस्ट चालू लाइव पे, ओके चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ओके माइक टाइसन है तो पंच लाइन, ये भागे करे डैश, डैश का भी मीनिंग होता है भागना, चालू लाइव पे हाइफन, हाइफन तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे, पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। भाई एमवीपी का एक का कितना मजाक उड़ा हो गया, ऐसा गाँव बोलते मेरे इन टट्टों पे भी अब लटकोगे तो पैर पहुंचेंगे रे जमीन पर, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज लॉजिकली इलॉजिकल माय ब्रो, ऐसे थोड़े ना होता है, पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे, पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर, मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहां है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर, नारनिया का रेफरेंस, नारनिया में कैसे ना वो क्लोजेट से बाहर खुलते तो दूसरी दुनिया नारनिया, और एक क्लोजेट से बाहर आना का भी एक अलग मतलब होता है कि तुम अपने आप से बाहर खुल जाओ, गूगल पे मगर मतलब पढ़ेंगे तो उसका ये कि अपना सेक्सुअलिटी रिवील करो, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को लड़की पे बोलते हैं, पिंकी बोलता है, बंटी बोलता है, मतलब जो फेमिनिन वाला चीज है ना वो वाला ज्यादा रेफर करते हैं। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था, नाउ यू नो ऑफ मी, तेरे डिस का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, मेरे को भी यही चीज बहुत बेस्ट लगी थी भाई, जिस तरह सजाए मौत का उसने आवाज इमिटेट करके फ्लो निकाला था ना, दैट्स द बेस्ट पार्ट, भाई कृष्णा अप्रिशिएट करना भाई, मीठा बोल के मार दिए। Nice. सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, तो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट, कश्मीर का मैं थरोब्रेड, कश्मीर में थरोब्रेड भी एक हॉर्स ब्रीड का नाम है जो रेसिंग वेसिंग में यूज करता है, और थरोब्रेड का एक भी है कि प्योर ब्रीड, मैं कश्मीर का प्योर ब्रीड हूँ, ठीक है,
कश्मीर का मैं थरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट। सरोगेट में यही होता है कि भाई तुम किसी और के पेट में अपना बच्चा पैदा करो और तुम उसको सरोगेसी बोलते। अभी शीशी में जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो पता नहीं वो वाला कैसे मैच करा है। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा, शहीदी है किन्नी तारीफा। लगती तू मियां खलीफा, इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा, शहीदी है किन्नी तारीफा। आई डोंट नीड अ टिकट और वीजा जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा। ये फीफा वाला भी जो अभी एमवी बनते हैं, जो रिसेंट मेसी और इसके साथ फोटो डाला था, तो उसमें वो बोल रहे कि भाई तू तो टिकट और वीजा करके गया था वहां पर, तो मेरे को तो वो भी जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ये तो बोलना होता है भाई। होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स, तेरे गोल्डन बार्स को दे दूं गोल्डन शावर। गोल्डन बार्स को दे दूं गोल्डन शावर, गोल्डन बार्स। ये हाँ, फिर से वो लोड़ा था, मैं बोला था कि मैं पाब्लो हूँ तो आई गॉट ओनली गोल्डन बार्स। गोल्डन शावर का मतलब होता है कि शावर ऑफ यूरिन, सुसु, तो तुम्हारे गोल्डन बार्स पे मैं सुसु कर दूं, ये होता है। नेस्टी नेस्टी, दिस इज गेटिंग नेस्टी ब्रो। Family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूँ golden shower। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे shot in motherfucker, I ain't talking about no golden hour। बढ़िया से मिलेगा शॉट, गोल्डन आर। गोल्डन आर मतलब जो शाम का वक्त नहीं होता 6-7 बजे का, तो गोल्डन गोल्डन हो जाता है स्काई, उसमें अगर फोटो खींचोगे तो बहुत अच्छा शॉट आएगा, तो उसका वो मतलब। कोठे में बैठा मैं बैठा हूँ, कोठी में लाइने क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। साफ देखे मैंने जब था वो टोकरी में, मेरा नाम और लोगो भी कॉपी है। ई भी जो लोगो है शायद वो कॉपी रहेगा, किधर ना किधर से तो लिया रहेगा। साफ देखे मैंने जब था टोकरी में, ये भी एबीबे के इसका लाइन है। लौड़ा सर ने बोला था कि ये सब छोकरी है सब एक टोकरी में, तो शायद ये उसी को बोला है कि भाई टोकरी में खोला तो सांप ही था। टोकरी सांप, इसका कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं एंड में बताता हूँ। चलो, ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। ये यूयू वाला मीम बहुत फेमस होता है। यू एवरीबॉडी क्या कुछ तो बोलता है यार, अच्छा गावा एवरीबॉडी मदरफकिंग प्रूव दिस नाउ, ऐसा बोलता है यार। एमवीबी के इंग्लिश का बहुत मजाक उड़ाता है कृष्णा, आई स्वेर। बिस्तर में करता ये नौकरी है, वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आई यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है पर्सन डॉलर साइन। अब बंटी ये भाई तुम आवाज सुन रहे हो तो करना चाहती ग्राइंड मैं कर बैठा मस्ती। कृष्णा यार क्या ट्रोल कर रहे हैं, ओ माय गॉड ये यू भाई क्रेजी है, क्रेजी हो रहे, क्रेजी यू चल बाजड़ी के। वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आई यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है पर्सन डॉलर साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, भाई सुना दे रहा तू सस्ती में। एमवीवे ने कैसे सजाए मौत पे तेरा उस गिरफ्तार को, इमिडिएट कहता अभी कृष्णा इमिडिएट कर रहा है। तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी। आई यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है पर्सन डॉलर साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालो ना का फोन आ भाई स्वालीना को इतना गंदा क्यों किया यार, भाई बेचारी स्वालीना यार, वो अपना काम कर रहे हो, उसको क्यों घसीट रहे हो यार तुम। बीच में सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालीना का फोन आ रहा है। ये है राउंड टू, आई एम अबाउट टू गेट यू, सांप वाली मेडुसा बन रखे। हाँ, मेडुसा को अगर पता रहेगा शायद लोगों को, उसके बालों के जगह सांप होते हैं, तो अगर आप आंखों में देखो तो आप स्टैचू बन जाओगे, तो दैट्स द थिंग। मुझसे क्यों भिड़ रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू। मुझसे क्यों भिड़ रहा बोल रहे चिड़ा चिड़ा, ऐसे क्यों बोलते चिड़ा बिड़ा बड़ी डॉलर की वैल्यू। हाँ भाई डॉलर की वैल्यू तो बड़ी है, रुपये ज्यादा हुई होगा ना। उसे ये बन रखी स्टैचू, मुझसे क्यों भिड़ रहा, क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू। ली जगह मैं ना आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फसाया तुझे जान के। लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड, साल लगता है मुझे तू आया है दागिस्तान से। दागिस्तान, अगर ये दागिस्तान का किसी को मीनिंग पता है तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट्स। लोड़े का खबीब
कभी भूमे हो जाओ, ये भी वही है। इस चीज से ना एक चीज समझ में आती है, ये जो लोग है ना, अगर कोई डिश चलती है ना, एक दूसरे के डिश को बहुत ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं। दे बी लिसनिंग मैन, दे बी लिसनिंग। 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर, मैंने ली थी बैग से, इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाना तेरी बेच के लिए, she wants easy access। ओ भाई अरे ये नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है क्यों, क्योंकि बीच के लिए तेरे बीच के लिए, बिकॉज यू वांट इजी एक्सेस। फक मैन फक, हर एक लाइन का जैसे अभी मैंने हर एक लाइन का रिप्लाई दिया था रियल लील बंटी में, ऐसा कृष्णा भी से नाड़ा तेरी बेच के लिए, she wants easy access। कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स, तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक, शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस, नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्चों के टैग। जैसे कच्चों के टैग, कभी कभार अगर टैग ना निकला तो गांड में घुस ही जाते ना, तो वो वाला मैं घुसता जैसे कच्चों के टैग। डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप पे, तू बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे, प्रब में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खींचाया था। ये कुछ नई चीजें मालूम पड़ रही भाई। बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे, प्रब में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खींचाया था। ना लेबल ना मैनेजमेंट, व्यंजन था वायरल, मैं कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, व्यंजन काफी वायरल हुआ था, उसी को देख के शायद अंकित खन्ना ने बोला था अपने एक इंटरव्यू में, क्या मैं कृष्णा का व्यंजन सुना था तो मैंने उसको डीएम किया, उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं जाके मिला, यू नो दैट्स द वे ही केम इनटू कलमकार एंड ऑल। टू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग, मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से, बातें बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्त की, गाना आए तेरे ही चैनल से। ओहो भाई कुछ अंदर की बातें बता दी है, मतलब अभी आई डोंट नो कि इसमें कितना फैक्ट्स है कितना नहीं है, जो गाना सुन रहे जो भाई बोल रहे वो अपन को मानना पड़ेगा ऑब्वियसली बात, बहुत नई चीजें निकल के आई है। बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्त की, गाना आए तेरे ही चैनल से, पूरा नहीं माना दिया था गाना, बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं, चार साल तूने कमाया उस गाने से, किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं, ये ले अब फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे। तू बहुत कर कैप अपने, कैप मतलब तू झूठ बोल रहा, नो कैप मतलब तू, मैं सच, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा जो है एकदम करारा सच, ऐसा वो स्लैंग में कैप नो कैप ये स्लैंग है। मैंने क्यों किया डिस, आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे। ओके, आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, वो शायद फ्रीवर्स फीस्ट में बोला था एमवे ने, कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया स्ट्रेट आउट ऑफ द हिल, नो वन इज डूइंग, आई एम द ओनली डूइंग राइट नाउ, तो शायद कृष्णा भाई का बुरा लगा भाई वो चीज, इसीलिए मैंने डिस कर दिया बस, और कुछ नहीं, और यही तो वजह। अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस, आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे, कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप आर ऑन केयर फॉर रैंसम। कवर में सुलाओ लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप, कवर में सुलाऊं और किडनैप, बच्चे को सुलाओ, ग्रैंडसन मतलब बच्चा, ऑब्वियसली ग्रैंड बच्चा होता है, बच्चा या कोई भी हो सकता है, किडनैप एंड आई डोंट केयर फॉर रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती, किडनैप करवा लूंगा बट मेरे को फिरौती की टेंशन नहीं भाई, किडनैप किडनैप। ओके ओके, थप्पा लगा रहा था तू रैप पे, कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप आर ऑन केयर फॉर रैंसम, सफेद होगी शक्ल लो मैरिलिन मैनसन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। हां सफेद होगी शक्ल लो मैरिलिन मैनसन, मैरिलिन मैनसन भी एक पहले की एक ब्यूटीफुल सी कैरेक्टर थी, इंसान थे, कैरेक्टर बोलो इंसान थे, तो ऑब्वियसली वो काफी गोरी थी, एंड फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम, डबल इसमें डबल मीनिंग, शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम के ब्रांड एम्बेसडर थे और एमए वंटाय का भी नाम, इसलिए हम शाहरुख है, बिलाल शेख शाहरुख वही है। बंटी बधाई हो, मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो, माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके गॉश ओ माय गॉश, शाउट आउट टू गॉश, ये तेरी पंच लाइंस वो, माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। ओ माय गॉड, क्या ये सच है, क्या ये सच है, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, क्योंकि गॉश एमए भाई को इतना ये नहीं करेगा ना, उसको रखता है झाट पे, वो तो ना डिसरिस्पेक्ट करेगा यार एमए वंटाय, एंड हाँ ऑब्वियसली रफ्तार एंड कृष्णा को आइडल मानता है क्योंकि उसी से इंस्पिरेशन लेके उन्हीं की तरह ने उनसे अच्छा ही कर रहे हैं इनफैक्ट अभी, बट उनसे इंस्पायर होकर अपना रैप चालू किया, तो गॉश ने भी शायद स्टोरी डाली, हाँ गॉश ने भी स्टोरी डाली है, राइट 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 राइट, आई विल टॉक अबाउट दिस एट द एंड। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी छूत अपनी पाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल, बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी छूत अपनी पैंटी में खोज, रुक ना का तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष।
शूर्पनखा तू नाच। शूर्पनखा तो पता ही रहेगा आपको, राम ने जिसकी, लक्ष्मण ने जिसकी नाक काटी थी, पर क्यों मैं तो इसको फैमिली को। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही जब आती है। अच्छा मिंटा का जो उसके बाल ब्लू कलर के रहा था उसको बाल वाली, ब्लू बाल वाली सहेली बोलते और वैसा ही करके दांत वाले फोटो डालता है ना, तो उसमें जो बोल रहा है कि लगता है वही तेरा चबाती है। फक मैन आती है मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। इस पे तो लगा मैं मजबूत, लगाम मतलब घोड़ी के लगाम, आई डोंट नो। हमाम मतलब एक मुस्लिम का जो होता है, मुसलमानों में होता है, मुस्लिम का जो बाथ स्पेस मतलब जो नहाने का जगह, वो इस्लामिक टर्म्स में हमाम बोलते हो, दैट इज रिलेटेड टू इट। आदमियों के हमाम में मत घुस, क्योंकि तू आदमी नहीं है, वो तो बोलने का वो तरीका है। बंटी का तू ही चबाती है, इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। बंटी का हजाम है अद्भुत, छान जैसे भालपुरी आवाम में हसमुख, तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे, तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार, तेरे पैंते फूल में भी कपड़े। ये शायद तुषम्बा के वीडियो में बोला था, आई डोंट नो, जब भी पूल वाले गाने आते तो उसमें कपड़े पहन के बैठ जाते, तो शायद वो ही बोल रहे कि भाई तुम इतना शर्म तो कर, तुम शर्म तो सीख, थोड़ा शर्म तो सीख, शर्म है इसलिए कपड़े पहन के बैठता है। हो सकता है कुछ 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 बहुत कुछ होता है। गाने में केले पकेले पकेला खाओ, नजदीकी तालू का तेरे बनाना से, ये दिल्ली की सल्तनत में ही अल्त मशहूर तो जनानी जनाना में। ये दिल्ली के सल्तनत में ही वो अल्तमश, अल्तमश तू ही तो जनानी जनाना में, जनानी मतलब फीमेल, जनाना शायद वो अल्तमश मतलब शायद वो कोई बड़ा होगा जनाना से बड़ा, मतलब नो द गार्डियन। ये शायद इससे था, कौन सा गाना था, चोको, चोको वाले गाने में ना वैसा वो टेक नाइन वाला फ्लो ट्राई किया था, वो मैंने बोला था वीडियो में शायद, वो टेक नाइन वाला फ्लो ट्राई करा, इब्रो रैप तो बुलाया वो ऐसा करके ट्रोलिंग में, ट्रोल में ही युवल तुम अस्तू तो जनानी जनाना में, कदा बेन थिंकिंग अबाउट रैप साउंडिंग हिप अबाउट बाओ, कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती, असली में करती तू रैप नहीं, रैप तेरी एल्बम थी फ्लॉप से ज्यादा, तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की, ये बीफ कैप, देखो बीफ कैप पहन रखी है वीडियो के स्टार्टिंग में से, मैं देखा तो मैंने बोला नहीं, बट बीफ कैप स्टार्टिंग से पहन रखे तो यू नो इज गोना गो हार्ड, गोना गो हार्ड बीफ कैप पे भी इस कैप की भी ज्यादा हाइप है यार, सीरियसली उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की, स्वीटिश क्या खाएगी पड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, स्वीटिश क्या खाएगी, स्वीटिश शायद से ये लोड़ा था, मैं तो बोला था मैं स्वीटिश पहले खाऊंगा, लंच बाद में या डिनर बाद में करूंगा, क्योंकि तू मिठाई है ना, मतलब ये खुद ही मिठाई है, तू क्या स्वीटिश खाएगी भर, सॉरी हम सब मुंबई की लौंडिया बन रही है। ओ बाल बड़े ना यार, बाल बड़े को ऐसे इतना लड़की और लौंडिया का यार, बहुत बहुत रेफरेंस कर, बहुत ट्रोल करता है उस चीज को। हाइप इस कैप की, स्वीटिश का खाएगी पड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, हाँ कारगिल विजय दिवस बोलते 26 जुलाई, जीतू में जंग, क्योंकि जंग जीती थी अपने पाकिस्तान से। लेने की शौकीन अवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई है राम। चलो अच्छा है कि म्यूट कर दिया। बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई है राम। अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए, मेरे 6 मिनट काफी है। ओ, एक नंबर हेवी, तेरे 8 मिनट के लिए मेरे 6 मिनट काफी है ब्रो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये 6 मिनट काफी है, वो आया भी 6 मिनट पे ही। आ, 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 सोच के लेके देखा कृष्णा भाई, माय गॉड, शिट यार, शिट। काम लेने को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए, मेरे 6 मिनट काफी है। मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और, मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और, बचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और, बचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और, माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा, और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा, एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के बाहर ही जाएगा, बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा, और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच।
भाई साहब क्या ट्रैक था यार, क्या ट्रैक, वाह, उफ, डर्टी था भाई, डर्टी नेस्टी ब्रूटल जो भी बोल रहे बोल सकते हैं, बट अभी मुझे लगता है कि भाई दिस इज द एंड ऑफ द बीफ बिटवीन एमिवे एंड कृष्णा, क्लोजर मिल गया, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोली है कृष्णा ने, ऐसी ऐसी चीजें बोली है, इसके आगे अगर एमिवे रिप्लाई भी कर देगा तो वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, चिल्ला के रैप करेगा, गाली देगा, इंसल्ट्स करेंगे और कुछ नहीं, मतलब वो एक थोड़ा सा बचकाना टाइप, बट वही होता कि इंसल्ट्स करेंगे, इसे इसके ऊपर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, कि एक चीज का वो रिप्लाई दे सकते हैं, शायद जो बैक स्टेज आया था प्रभ डिवाइन और मैं था तो तूने खाली फोटो खिंचाया था, अभी फैक्ट्स क्या है वो दोनों को पता भाई, अपन को तो पता नहीं, अगर वो कुछ बोलेगा तो उस चीज पे रिप्लाई आ सकता है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्लोजर टू द डिस टू द बीफ, सॉरी डिस बोल रहा है बीफ, बट क्रेजी ट्रैक, क्रेजी रेफरेंसेस, क्रेजी ट्रोल्स, सब कुछ क्रेजी था, और अभी आते न्यूट्रल कंक्लूजन, यार लोडा साइन 8 मिनट का डिस एमिवे का वाज एपिक, मुझे बोल रहा है एमिवे का अभी तक का बेस्ट डिस ट्रैक, ठीक है, और कृष्णा का ऐसा लग रहा है कि ये वाले ट्रैक में मुझे कृष्णा इतने ज्यादा ट्राई नहीं किया, मतलब उतना हार्ड ट्राई नहीं किया जितना माँ कसम में जितना हुआ था ना, माँ कसम में कैसा लिरिकली बहुत चीजें था, हर एक सिंगल लाइन में डबल ट्रिपल एंटेंडर बहुत सारे थे यार, मतलब वो एकदम अलग लेवल, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा ने इसमें इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाला है कि आप भाई ज्यादा कुछ टेक्निकल बना दो तो शायद समझ में आए ना आए यार, मैं ये चाहता हूँ कि भाई एमिवे के फैंस कृष्णा को हिट ना करे, कृष्णा के फैंस एमिवे को हिट ना करे, क्योंकि क्या है ना, हिट मत करो, क्योंकि कृष्णा अपने जगह सही है, एमिवे अपने जगह सही है, वो अपना बेस्ट काम कर रहा है, एमिवे कृष्णा अपना बेस्ट काम कर रहा है, कृष्णा लिरिक्स में काफी इज बेस्ट एट लिरिसिज्म, यू नो रेफरेंसेस मेटाफर्स ये सब में बहुत अच्छे, और एमिवे इज लाइक एग्रेसिवनेस, उनकी एनर्जी, उनका जो फ्लो स्विच होता है, यू नो वाइब लाना, मेलोडी वाला चीज लाना, तो वो चीजें कृष्णा में कम है, एमिवे में ज्यादा है, एमिवे में एनर्जी ज्यादा है, कृष्णा इज लाइक थोड़ा सा आराम से रैप करते, ज्यादा ऐसा हाई पिच में नहीं करते, तो ये वैसा है कि दोनों ने काफी अच्छा अपने अपने जगह काफी अच्छा बैलेंस बना रखा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हेट मत फैलाओ, बस दैट ये जो बीफ है जिस ट्रैक का जो सीन चल रहा है, बीफ सीजन चल रहा है, कि ये एक एंटरटेनमेंट है यार, अभी तुम ऑब्वियसली एंटरटेन हो रहे हो ना, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया था भाई रिप्लाई दो रिप्लाई दो रिप्लाई दो, तो दिया ना, लेकिन लोग ही चाहते हैं ना कि ये हो करके, ताकि वो ज्यादा एंटरटेन हो, डीएचएस ज्यादा ग्रो करे, इस चीज से ऑब्वियसली रफ्तार एमिवे के जो बीप हुआ था उसके वजह से काफी ज्यादा ग्रो किए थे, तो मतलब देसी पॉप को ज्यादा लोग सुनने लगे थे अपने यहाँ, तो ये भी उस तरह का ही है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रोवर्सी जब तक होगा नहीं कुछ चीज में तो वो वाली चीज कभी नोटिस करेंगे नहीं लोग, है ना, कभी करण जौहर को देख लो कि भाई कुछ ना कुछ मूवी रहता उसके पहले कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कर बैठता, ताकि उसके लोग उसकी मूवी के बारे में जाने और जाके देखे, ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये होती है इंटरनल चीजें होती है, कि अगर ये पूछा जाए कि माँ कसम बेटर था या ये था, नहीं ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लिरिसिज्म वाइज और फ्लो स्विच वाइज ज्यादा बेटर था, मुझे ऐसा लगता है इसमें ज्यादा फ्लो स्विचेस है नहीं, उसमें कैसा चॉपर फ्लो था और फास्ट फ्लो वो वाले सारे इसमें थे, इसमें वैसा नहीं है, मुझे काइंड ऑफ मतलब होता ना एक पॉइंट वाला चीज कम लग रहा है बस, अगर वो 10/10 है तो ये 9.8 ऐसा, बट भाई ये बहुत ही क्रेजी था, बहुत क्रेजी था, अभी आई डोंट नो कि एमिवे रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, बट अगर कर भी देगा तो इट विल बी पॉइंटलेस, ज्यादा कुछ होगा नहीं, इंसल्ट्स ही होंगे एज आई सेड, हाँ जैसे मैंने कहा कि वो जो टोकरी वाला लाइन में बाद में बताऊंगा, टोकरी वाला लाइन का शायद ये मतलब हो सके शायद था, जैसा नाम है कृष्णा, कृष्णा इज रेफरिंग हिमसेल्फ टू एज गॉड कृष्णा, तो वो टोकरी में वासुदेव उनको कैरी करके लेके गए थे थ्रू रिवर, और सांप ने हेल्प किया था उस रिवर को क्रॉस करवाने को, वासुदेव शायद वो उससे भी शायद जुड़ा है, आई डोंट नो, वो सांप टोकरी कृष्णा नाम है, तो वो शायद मुझे लग रहा है कि उस तरफ से जुड़ा है, हो सकता है जुड़ा, हो सकता है जुड़ा ना भी हो, लोग इतना वेट कर रहे थे सुबह लाइव जाके रिएक्शन दे रहे थे, तो कॉन्ट्रोवर्सी का हाइप ज्यादा ही यार, मतलब ये दुनिया ही वैसे काम करती है ब्रो, मैं क्या कर सकता, अभी बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अभी किसी का मारपीट झगड़ा देखने लोग ज्यादा जाते हैं, कि कुछ अच्छा कोई कर रहा है तो उसको देखने जाते हैं, राइट, तो दुनिया ऐसी काम करती है, कॉन्ट्रोवर्सीज है तो उसके लिए ज्यादा हाइप होते हैं, गालियां वालियां दो तो ज्यादा हाइप मिलती है, आपको व्यूज मिलेंगे, ट्रेंडिंग पे जाओगे, जो भी होगा यार, आप लोगों के नजर में आओगे, अगर कुछ अच्छा करोगे तो लोगों कम लोगों के नजर में आओगे, बट थोड़ा कम आओ, चलो मैं आप बता दो आपको क्या लगा इस ट्रैक के बारे में, अगर कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट्स में, रिएक्शन कैसा लगा, नहीं कैसा लगा, नहीं लगा प्लीज बता देना, अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मेरा नाम है सुमन, मेरे को अन्ना के नाम से जानते हैं चैनल पे, ले लड़ना, और कुछ अगर बातें शेयर करनी है बातें करने तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे अपन बकचोदी करते रहते, बाकी क्या मिलते अपन ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो मजे करो, दिस इज अन्ना signing off. Bye-bye.